अस्सलाम वालेकुम, जरा सलाम करो। आज जारा का स्कूल का फर्स्ट डे है और जारा जा रही है स्कूल, है ना बेटे? ओ, पायल निकालो, ये निकाल दो नहीं तो टीचर चिल्लाएंगे। लाओ मैं निकालो, पैर उठाओ। और कुछ बोलना है? कैसे जाएंगे तुम स्कूल? हंसते हंसते, ना? देखो इधर तो देख लो, चलो चलो हम जा रहे हैं जारा को लेके स्कूल। मेरा बेटा बहुत अच्छे से जाता है ना। हाँ बाय बाय। आतिफ भी जा रहा है ना? आतिफ पेरेंट छोड़ के चले जाओ। जारा को लेने आई हूँ मैं यहाँ है स्कूल में। मिक्की माउस रुको रुको, इनको हटने दो पहले। अब मैं इन लोग को लेने आई हूँ, आतिफ को भी ले ली और जारा को भी। जारा कैसे लगा बेटे स्कूल में? जोर से बोलो। अच्छा था। अल्लाह, जी जोर से हाथ पकड़ो। मैंने कोफ्ते का सालन, चावल और रोटी, और ये बना रही हूँ मैं मैंगो आइसक्रीम। इसके लिए मैंने दूध बॉईल करने रखी हूँ। ये दूध ली थी मैंने 1.5 लीटर, तो इसको चलाते चलाते आधा लीटर कर दूंगी। बीच बीच में चलाना है और इसको मतलब 1.5 लीटर में आधा लीटर हो जाना चाहिए, इतना पकाना है इसको। तो मैं इसको पका रही हूँ बहुत देर से, अभी और पकाना है इसको। ये देखिए दूध पकते पकते आधे से थोड़ा कम हो चुका है और इसको पकाऊंगी। तो अब डाल रही हूँ मैं इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़े से बादाम, और इसका दूध का कलर भी चेंज हो गया है, देख सकते हो आप। अभी डाल रही हूँ मैं इसमें शक्कर, तो जितना मीठा आपको चाहिए मैंने एक प्याली डाली है। और मीठी ही आइसक्रीम ठंडी होके अच्छी लगती है, मतलब नहीं तो फिक्की हो जाएगी। और यहाँ चढ़ाई हूँ मैंने चाय कारीगर के लिए। तो ये देखिए इसको थोड़ी देर पका के और मैंने इसको ठंडा करने पानी में रख दी हूँ, ताकि ये जब भी ठंडा हो जाए, थोड़ा हल्का भी गर्म रहेगा ना तो चलेगा, लेकिन इसको ठंडा करके फिर इसमें डालेंगे हम मैंगो प्यूरी। देखिए ठंडा हो चुका है, अब डालूँगी इसमें मैं ये मैंगो प्यूरी जो कि 2 प्याली है। अब इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको एक बार और पीस लेंगे, अच्छे से ग्राइंड करेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और जो हमारे बादाम है ना वो भी अच्छे से पीस जाएंगे। फिर इसको हम ठंडा करेंगे। तो ये देखिए इसको मैंने पीस दिया, इतना मस्त हो गया इसका टेक्सचर। अब मैं इसको इसमें डाल देती हूँ और ये थोड़े से कफ में भी डालूंगी, कि हमारी फैमिली बड़ी है तो ये नहीं होगा, इसलिए इसमें डालूंगी आधा। ठीक है, बिस्मिल्लाह।
देखिए अब मैं इसको रखने जा रही हूँ फ्रीजर में, 6 घंटा रखूंगी, इंशाल्लाह अच्छी जम जाएगी है, फिर हम इसको टेस्ट करेंगे। देखिए बराबर मैंने 6 घंटे बाद निकाली हूँ, माशाल्लाह मस्त आइसक्रीम बनी है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, यही तरीके से ट्राई कीजिए आप लोग भी, क्या मस्त है जमी सच्ची में। बट कैसी है टेस्ट, अच्छा है? हाँ भाई ये देखिए ये भी मस्त है।